कनाडा में मशहूर पंजाबी गायक एपी डिलोन के घर के बाहर फायरिंग का शक गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पंजाबी सिंगर एपी डिलोन के घर का बताया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति पिस्टल के साथ फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। गोलियों की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। कनाडा के वैंक्यूवर विक्टोरिया आइलैंड में एपी डिलोन के घर के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने ही एपी डिलोन के घर के बाहर फायरिंग कराई है। कनाडा में इससे पहले भी पंजाबी फिल्म स्टार गिप्पी ग्रेवाल और पंजाबी सिंगर करण ओजाला के घर पर फायरिंग हो चुकी है। दोनों बार फायरिंग का आरोप लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग पर लगा है। पिछले महीने एपी डिलोन का नया गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ था। गाने में फिल्म स्टार सलमान खान और संजय दत्त नजर आए थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का आरोप है। जापान के बाद अब फिलिस्तीन में भी चक्रवाती तूफान का कहर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आए लोग, अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कमर तक पानी में डूब चुका ये उत्तरी फिलीपींस का काइंटा इलाका है। आसमान से इतना पानी बरसा कि सब कुछ तैरने लगा। घर का सामान हो या फिर गाड़ियां, सब कुछ सैलाब की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर इसी तरह लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों के घरों तक रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। जिन्हें बाहर निकालना है वो नाव पर सवार हो रहे हैं। जो घर नहीं छोड़ना चाहते उन्हें खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पता चला है कि यागी तूफान राजधानी मनीला से उत्तर पूर्व की तरफ क्विजोन प्रोविंस की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की रफ्तार 115 किलोमीटर घंटे बताई जा रही है। इस दौरान जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगह पहाड़ भी दरक गए। मनीला एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी में स्कूल बंद कर दिए और लोकल फ्लाइट्स को भी अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। एजेंसियों का कहना है कि मारिकिना नदी अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तूफान को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है, जबकि कुछ बोट्स में अब भी 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स के फंसे होने की बात सामने आई है। जून से अक्टूबर तक फिलीपींस में हर साल करीब 20 तूफान आते हैं, जिसकी वजह से दर्जनों लोग मारे जाते हैं। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान होता है। यूपी के मुरादाबाद में एक आशिक ने आशिकी की सारी हदें पार कर दी। बुरखा पहनकर प्रेमिका के मोहल्ले में पहुंच गया। शख्स की मर्दाना चाल देखकर लोगों को शक हुआ। नकाब हटाया तो सभी हैरान रह गए। बुरखे में कोई महिला नहीं बल्कि हट्टा कट्टा शख्स था। शख्स से सवाल जवाब हुए, आधार कार्ड मांगा गया। युवक ने अपना नाम चांद उर्फ भूरा बताया, लेकिन आधार कार्ड से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई भी कर दी। इसी दौरान युवक की तलाशी ली गई तो तमंचे की शेप का लाइटर मिला, जिसके बाद भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। दो दिन पहले जौनपुर कचहरी में नाबालिग लड़की बुरखे में प्रेमी से शादी करने पहुंच गई थी। मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।